नेटवर्थ है वो 3600 करोड़ है पाकिस्तानी रुपए। क्या हो गया आपको, आप पागल वागल तो नहीं होगी, क्या हो गया इतनी ज्यादा, सीरियसली सीरियसली नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बात सुने, ये इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, या आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, दोबारा आप सर्च करें, रुके मैं खुद करती हूँ सर्च। की जो नेटवर्थ है वो है 3600 करोड़, और झूठ बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो। नहीं सर 3600 करोड़ है, 3600 करोड़, और वो अगर इतनी हो तो नेट हमारे जो जितना कर्जा है वो ना उतार दे, बकवास है ये, झूठ है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को सर, अल्लाह की कसम नहीं यार। हाँ मैं नहीं मानता इस चीज़ को, 3600 करोड़ बहुत अमाउंट होती है, सही राह लग जाती गिनने में। हाँ यार ये मैं बिल्कुल सही फिगर आपने बताया, वाकई रियली वाकई रियली, मेरी बात सुनो उनसे, प्लीज ये पाकिस्तान का सबसे पहले कर्जा उतार दे आगे, प्लीज उतार सकते हैं वो, मैं कह दूँ प्लीज विराट कोहली साहब आप आगे जरा कर्जा उतार दें, आप इतनी ज्यादा कहाँ रहते हैं, आप कहाँ होते हैं, हमें भी मिल जाए आप थोड़े से। विराट कोहली है वो पाकिस्तान, विराट कोहली यार होगा विराट कोहली, मैं नहीं मानता, हमारा बाबर आजम भी लेवल है उसका, बैट्समैन जैसे आई कोई नहीं है सर। ये देखें इसकी नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ यार, सही कह रहे हैं आप, 3600 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में, इतने में तो पाकिस्तान की 10 टीमें तैयार हो जाए यार, एक उनके एक प्लेयर की इतनी नेटवर्थ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा आयशा मुझे ये बताएं कि विराट कोहली के हवाले से बात करें तो विराट कोहली की इस टाइम नेटवर्थ क्या है? 80 करोड़। 80 करोड़ नहीं होगी यार, 150-200 करोड़ मेरे साथ, 150-200 करोड़ नहीं सर, कम बता रहे हैं। क्या है इतनी होनी है, और उनकी इतनी वैल्यू थोड़ी है, नहीं सर थोड़ा बढ़ा दें, 300 करोड़ होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है, कोई समझ लो 100 लाख 1 करोड़ होगी, उससे बड़ी आदमी बहुत, कितनी होनी है बहुत कम बता रहे हैं, कितनी है थोड़ी ज़्यादा कर, 5 करोड़ कर लो, 5 करोड़ कर लो सर, आई थिंक उसकी नेटवर्थ तो बहुत ज़्यादा होगी, कितनी हो सकती है पाकिस्तानी रुपीज़ में? 1 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। 1 बिलियन क्या हो गया ये, बहुत बड़ी अमाउंट में आपको बता रही हूँ, चलें 100 करोड़। 100 करोड़ नहीं, थोड़ा और लगा लें, 101 करोड़, मतलब 200 करोड़ चले, अब ये बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट होगा, अब इतनी ये इतनी ज़्यादा, मैं तो कह रही हूँ अगर इतनी है तो मुझे बताएं वो कहाँ रहते हैं। नहीं नहीं इतनी है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो, मैं नहीं सर, उनकी जो नेटवर्थ है वो है 3600 करोड़, और झूठ बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो। नहीं सर 3600 करोड़ है, 3600 करोड़, और वो अगर इतनी हो तो नेट हमारे जो जितना कर्जा है वो ना उतार दे, बकवास है ये, झूठ है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को सर। विराट कोहली है वो पाकिस्तान, विराट कोहली यार होगा विराट कोहली, मैं नहीं मानता, हमारा बाबर आजम भी लेवल है उसका, बैट्समैन जैसे आई कोई नहीं है, नो डाउट लेजेंड प्लेयर है, किंग का लकब दिया गया, लेकिन तो इससे ज़्यादा क्या नेटवर्थ होगी यार, इतना सुना था कि जितनी उसकी नेटवर्थ है उतने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बन सकती है, तो बस यही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी महंगी तो नहीं है यार, मुझे लगता है क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है तो जाहिर सी बात है वो कई सालों से खेल रहा है, तो उसकी नेटवर्थ इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, और जैसे पाकिस्तानी रुपये की करेंसी मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है, तो मुझे लगता है कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो देता हूँ, उसकी जो नेटवर्थ है वो 3600 करोड़ है पाकिस्तानी रुपये। क्या हो गया आपको, आप पागल वागल तो नहीं होगी, क्या हो गया इतनी ज़्यादा, सीरियसली सीरियसली नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बात सुने, ये इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, या आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, दोबारा आप सर्च करें, रुके मैं खुद करती हूँ सर चेक करें। हाँ यार ये मैं बिल्कुल सही फिगर आपने बताया, वाकई रियली वाकई रियली, मेरी बात सुनो उनसे, क्या प्लीज़ ये पाकिस्तान का सबसे पहले कर्जा उतार दे आगे, प्लीज़ उतार सकते हैं वो, मैं कह दूँ प्लीज़ विराट कोहली साहब आप आगे जरा कर्जा उतार दें, आप इतनी ज़्यादा कहाँ रहते हैं, आप कहाँ होते हैं, हमें भी मिल जाए आप थोड़े से। क्या कमाल की बात की है जी, हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार दे विराट कोहली साहब। बाबर आजम की नेटवर्थ क्या होगी? बाबर आजम की होगी 50 करोड़ मेरे साहब। 50 करोड़ क्या वजह इतनी कम? ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप, मुझे एस्टीमेट तो नहीं पता कि कितनी होगी, लेकिन 40 करोड़ है। 40 करोड़ हाँ इसके करीब करीब ही है। बेसिकली बात पहले क्या है, अगर ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहनी पड़ रही है, IPL का मुकाबला ही कोई नहीं है, हमारा भी PSL होता है लेकिन IPL लीग जो होती है उसका मुकाबला कोई नहीं है, वहाँ पर वो स्पॉन्सर अच्छे होते हैं, उनकी उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको हर फैसिलिटी मिलती है, हर एक जो है ना उनको फैसिलिटेट किया जाता है हर लिहाज से, यहाँ पर भी में होती हैं लेकिन उस लेवल की नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर पाकिस्तानी रुपीज़ में उनकी वर्थ है 3600 करोड़। अल्लाह की कसम नहीं यार। हाँ मैं नहीं मानता इस चीज़ को, 3600 करोड़ बहुत अमाउंट होती है, सही राह लग जाती गिनने में, कि एक्चुअल जो नेटवर्थ है वो इस टाइम 3600 करोड़ रुपया है पाकिस्तानी रुपीज़ में।
ठीक हो तो मतलब ये 1 बिलियन से ज़्यादा ही है, 1 बिलियन से ज़्यादा ही है। एक ठीक है, एक अमाउंट है 3600 करोड़ नेट वर्थ विराट कोहली ने, यार मेरे आइडिया में इतनी नहीं होगी, कम होगी, कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर तो कैसा खिलाड़ी देखते हैं विराट कोहली को? विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है और काफ़ी उसने नाम कमाया है दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में। सर ये देखें इसकी नेटवर्थ मैं आपको दिखा देता हूँ। यार सही कह रहे हैं आप, 3600 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, इतने में तो पाकिस्तान की 10 टीमें तैयार हो जाए यार, एक उनके एक प्लेयर की इतनी नेटवर्थ है। बाबर आजम की बात करें या पाकिस्तान में किसके साथ कंपेयर करेंगे आप? किसको? विराट कोहली को? नहीं मुझे नहीं लगता, अगर बाबर आजम वगैरह वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम कंपेयर के लेवल पे नहीं वो आ सकते। वो तो वैसे ही अगर आप खेलने में भी देखें हर एक लिहाज से ज़बरदस्त वो जा रहे हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर आजम वगैरह अपनी जगह पे हैं, वो टॉप क्लास है। सर विराट कोहली जो कि एक इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट लगाने पर 2400 करोड़ रुपया चार्ज करता है, 2400 करोड़ या आपके मुंह से अल्फाज निकले कैसे हैं? 2400 करोड़ बड़ी बात है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोरी लगाने के या पोस्ट लगाने? एक पोस्ट लगाने, एक पिक्चर लगाने की, मतलब किसी भी ब्रांड की? जी बड़ी बात है यार, ये तो बड़ी मतलब वो तो लेजेंड है फिर, क्योंकि वो एक लेजेंड प्लेयर हैं और एक कमाल के प्लेयर हैं और क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने काफ़ी नाम बनाया है, तो बेहतरीन है। आई थिंक तो हमारे प्लेयर पता नहीं कहाँ फोत हो गए। बाबर आजम की बात है, बाबर आजम की जहाँ तक मैंने सुना था ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 करोड़ होगी नेटवर्थ, इससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उनकी 40 करोड़ है यार। लेकिन 3600 करोड़ 40 करोड़ मैं तकरीबन तो कम से कम भी ना कोई 9 टाइम मल्टीप्लाई करना 40 करोड़ को, तो फिर 3600 करोड़ जाके बनता है। ठीक है सर, हमारे यहाँ पर बस बात जितनी सी है, यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है, वहाँ पर वो जिसके पास टैलेंट होता है, स्किल होती है, उसको पलकों पर जो है ना सवार करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, वहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू नहीं। बिल्कुल मैं तो अगर आप थोड़ा थोड़ा क्या वो क्रश नहीं होना, आपने अमाउंट बताई ऐसी क्रश वैल्यू होना शुरू हो गया, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी मेहनत और एफर्ट का ये नतीजा है। ऐसे नहीं होता कोई भी अगर प्लेयर है वो इतने लेवल तक जाता है, वो अपनी मेहनत से जाता है और स्ट्रगल से जाता है। आई थिंक तो उन्होंने वाकई बड़ी मेहनत की है। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ, ये भी बुरा नहीं होगा, ये बल्कि उनके लिए और ज़्यादा अच्छे अल्फाज अगर मैं यूज़ करूँ, कि वो एक लेजेंड है। आप उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, जर्नी देख लें, किस तरह से वो शुरू हुए। एक खिलाड़ी जो है जब तक आप प्रॉपर वो खेलता नहीं है, उसको अगर सिला नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। खेलते हैं तो उसका फल मिलता है, तो वो उनको फल मिला है। दिल लेजेंड है विराट कोहली। विराट कोहली इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है? डोंट बिलीव यार, वैसे जितनी नेटवर्थ है विराट कोहली की, वो तो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। वाकई दुनिया में सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर कौन है? यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ना, तो आई थिंक सो MS धोनी जो है वो सबसे अमीर तरीन है, लेकिन जैसे विराट कोहली, जैसे वही कह रहे हो, जैसे आपने बताया 3600 करोड़, तो फिर वो तो धोनी को भी बीट कर गया यार, अपने एक्स कैप्टन को बीट करके चला गया, अनबिलीवेबल यार। लेकिन डिजर्व करता है, आप इस चीज़ को एग्री करें कि विराट कोहली जो है इतनी नेटवर्थ, इतनी समझ लें फेमस होना, इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? उन्होंने अपना एक टाइम दिया, अपना एक समझ लें करियर, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है करियर में, करियर बनाने में, करियर में नहीं करियर बनाने में अपनी लाइफ स्पेंड किया उन्होंने, तो डिजर्व करते हैं यार इतनी रिस्पेक्ट। ये लकब किंग का ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं दुनिया में उनका नाम, ये डिजर्व करते हैं, वैसे भी डिजर्व करते हैं। प्लेयर जो है विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, और उसका हर लिहाज से अगर बात करूँ तो इज़ बेस्ट। आपने जितनी अमाउंट अभी बताई है, मुझे लगता है विराट कोहली अब तक के सबसे अमीर तरीन खिलाड़ियों में से अगर कहें, अगर पर्सन में भी कहें वो गलत नहीं होगा, और विराट कोहली हैं ज़बरदस्त हो गया। मैं तो उनसे वाकई मिलना चाहूँगी और थोड़ा सा उनसे वो भी क्या कहते हैं शॉर्ट्स वगैरह भी सीखना चाहूँगी कि किस तरह से उन्होंने किया। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ, फ़ैन हो गई ज़बरदस्त। मैंने आपको बताया कि वो डिज़र्व करते हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना आप मनवाया दुनिया में। लेजेंड, लेजेंड एक लफ्ज़ होता है लेजेंड, जिसका मतलब होता है कि मानो इस चीज़ को, लेजेंड है वो। ठीक है, उन्होंने अपना आप यार उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं लेजेंड हूँ, वाकई लेजेंड हूँ। ठीक है, तो लेजेंड है बहुत। सलाम, ओके, थैंक यू।